अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलीर नदी पे जो है वो जो लोग लापता हैं, तकरीबन 8 लोग लापता थे, उनकी फैमिलियों की रिक्वेस्ट पे हम मलीर नदी की जो झाड़ियां हैं और इसके अतराफ के इलाके हैं उसमें हम पानी पे तलाश कर रहे थे। वो लोग जो कल से मिसिंग है रात से, और फिर जब हम मलीर नदी जब खत्म हुआ और दरिया में जब मिलती है तो हम वहां से हमने इरादा किया कि हम जो है वापिस से नहीं आते, हम जो है वो सीवीयू की तरफ से निकल जाते हैं, विलेज रेस्टोरेंट है वहां पे, उसकी तरफ से जो हम बाहर निकल जाएंगे। और मैंने गाड़ी वाले को भी कहा था कि आप वहां पहुंच जाएं, हम वहीं से निकलेंगे। लेकिन जब हम आगे गए तो हम बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें थी समंदर में, जिसकी वजह से हमारी कश्ती जो है वो काफी परेशानी की वजह से हम मतलब बहुत ही मुश्किल से जो है वो निकलना मुश्किल हो रहा था, लहरों में फंस गए हम और हमारा इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होने की वजह से जो है ना फिर हम अपने आप को नहीं बचा सके, और एक लहर ने हमें, बड़ी लहर थी उसने हमें उल्टा दिया। हम 6 अफराद थे, मेरे साथ जो है वो राजा अजहर MPA सिंध असम्बली भी मौजूद थे, और जो है वो हम सब ने जो है वो अपनी जान बचाई, सब ने लाइफ जैकेट पहने हुए थे, और जो है वो हमारी जो इन्फ्लेटेबल बोट थी हमने उसकी तरफ हम तैर के चले गए, और उसकी जो रस्सियां थी हमने उसको पकड़ लिया, और आधे घंटे तक हम इसी तरह पानी में तैरते रहे। और फिर वहां से एक मछेरे की कश्ती गुजरी, जो इब्राहिम हिदरी के मछेरे थे उनको हमने आवाजें दी, तो फिर वो हमारी तरफ आए और उन्होंने हमें रेस्क्यू किया आधे घंटे तक, और हम बहुत ही नाउमीद से थे क्योंकि किनारा हमसे बहुत दूर था। और खैर खौफ तो था, लेकिन जो है, और मैंने सबको हौसला दिया कि आप जो है वो घबराए नहीं, और जो है कश्ती को बस नहीं छोड़ना और लाइफ जैकेट नहीं उतारना। आधे घंटे तक हम पानी में तैरते रहे, इसके बाद फिर हमें एक जो है वो लांच वालों ने हमें जो है वो बचाया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो लांच वालों ने हमें इब्राहिम हेदी की जो बंदरगाह है, जेटी है, वहां तक पहुंचाया, और फिर वहां से हम फिर बाहर निकले।